हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो बनाते हुए बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मिट्ठू हमारे जो मिट्ठू था वो छोड़ के चला गया है, वो मर गया। वो कैसे मरा वो आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में। जो गलती मेरे घर में हुई है वो गलती आपके घर में ना हो। अगर आप पैरट रख रहे हैं तो वो गलती कभी नहीं करें। मेरे घर में आज एक्चुअली हुआ क्या था ना, मिट्ठू वो नहलाए थे, वो नहाया था, नहा के उसके बाद वो एक रूम में उसको रख दिए थे। रूम में क्या है ना, रूम में वो पर्दा खिड़की के डंडे पे वो बैठा रहता है। जब नहाता था तो बहुत शांत रहता था, इसलिए उसको वो वहाँ बंद कर दिए थे। मेरी मम्मी जी हैं जो उस कमरे में गई, ध्यान नहीं दी कि मिट्ठू यहीं पर बैठा हुआ। उनको लगा कि वो केज में है। नहलाए थे उसको, तो वो ज़्यादातर क्या है ना, इधर उधर नहीं रहता था, वो केज में घुस जाता था, आराम से शांति से रहता था नहाने के बाद। उनको लगा वही कि केज में, या वो जाके पंखा चलाती हैं, वो उसी रूम में था, उसी रूम में। तो वो वहाँ डर गया और वो जैसे ही उड़े और उसको वो फैन का जो डायना होता है ना, उसी से वो उसके सर में लग गया। सर में लगने की वजह से बिल्कुल वो आवाज़ भी नहीं निकला, वहीं पर गिर गया और मर गया। तो दोस्तों, आप लोग भी अपने घर में पैरट रखते हैं तो ये गलती कभी नहीं करें, बिल्कुल ध्यान से रखें, क्योंकि जाने के बाद बहुत तकलीफ़ होता है। अगर आप रखते हैं तो समझ सकते हैं कि वो कितना तकलीफ होता है अगर आपको छोड़ के जाता है तो, क्योंकि वो एक बच्चे से कम नहीं होता। उसकी यादें हर जगह हैं। जब मैं किचन में खाना बनाती थी तो मेरे कंधे पर बैठा रहता था, बातें करता था, कोई भी काम करो तो वो पीछे पीछे जाता था, एकदम अकेले बिल्कुल नहीं रहता था। जैसे ही आवाज़ सुनता था वो पीछे पीछे दौड़ा जाता था, क्योंकि मेरे घर में वो हमेशा खुला ही रहता था, सिर्फ रात में सोने टाइम वो रहता था बंद। केज में उसको रहना पसंद बिल्कुल नहीं था, इधर उधर जहाँ पे, अगर रूम में हम लोग हैं तो रूम में ही वो रहता था। सबसे वो बहुत लगाव, खासकर मेरे से बहुत ज़्यादा उसका लगाव था। फिर नहीं होते थे तो बहुत वो चिल्लाता था। अगर रूम में उसको छोड़ दें तो बाहर हम निकल गए रूम से, तो वो बहुत हल्ला करता था निकलने के लिए। कैसे किसी देता बेटा? दोस्तों, आप लोग भी अपने पैरेंट्स को ध्यान से रखिए। मेरे घर में जो गलती हुआ है वो आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि जाता है तो बहुत तकलीफ होता है, उससे लगाव हो जाता है। उसकी यादें बहुत आती है, अभी तक आती है। मेरी वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं थी, 4-5 दिन हो गया उसका, कि तब भी मैं सोची आप लोग को बता दूं। अगर पैरट के बारे में आपको, आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी उसके बारे में। क्योंकि मेरे यहाँ वो 1.5 साल लगभग रहा था, 1.5 साल रहा है, तो पैरट के बारे में मुझे पता है। मम्मी को कैसे किसी देता है? तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। वाह वाह वाह, थैंक यू, बाय बाय। अच्छा सुनो।